परिवर्तन कर हिंदू लड़के से शादी करने के बाद मांग एसएसपी से सुरक्षा की। लड़की के पिता ने कहा, तुम्हारे लिए कब्र खुदवा दी है। आपको बता दें, बरेली में एक मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू लड़के से शादी करने के बाद परिवार वालों द्वारा मिल रही अनेक धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। लड़की के पिता ने कहा, तुम्हारे लिए कब्र खुदवा दी है, कुछ भी अनहोनी होने की आशंका व्यक्त की है। सुमन देवी ने एसएसपी से सुरक्षा की मांग की है। सुमन देवी उर्फ सहनाज, पत्नी अजय बाबू, पुत्री बादशाह एवं नजमा निवासी सगलपुर थाना भौजीपुरा की है और उसने अपने गांव के प्रेमी अजय बाबू से धर्म परिवर्तन कर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया है, लेकिन विवाह उपरांत उसके परिजनों द्वारा उसको लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और कुछ भी अनहोनी हो सकती है। सुमन देवी उर्फ सहनाज को अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि उसके परिवार वाले उसके इस कारनामे से खुश नहीं है और कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। उसके परिवार वालों की जान पहचान अपराधी नेताओं से है। इसका नाजायज फायदा उठाकर उसके पति के साथ कोई भी अनहोनी घटना करवा सकती हैं। आज उसने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष अखिलेश कुमार चौरसिया ने बताया, थाना भौजीपुरा क्षेत्र की रहने वाली लड़की ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की है। उसने अपने परिवार वालों से जान का खतरा बताया है। उसने सुरक्षा की मांग की है। भौजीपुरा थाना को आदेश दिए हैं, दोनों पति पत्नी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय बाबू है। अजय, ये बताओ कैसे आपकी इनसे मुलाकात हुई थी और अब किस तरीके का आपको खतरा सता रहा है? जी, अब से मतलब 3 साल हो गए हमारे लोग चलते हुए, तो हम लोग ज़्यादातर घूमने में जाते थे, तो ऐसे देखा होगा और मैंने पसंद करने लगा था। अभी इनसे मेरी बातें चलती रही थी, हल्के घर से पता पड़ गया था। अब नहीं पता पड़ा तो मैं एक दलित समाज से आता हूँ, वाल्मीकि समाज का हूँ, ये मुस्लिम है। तो घरवाले जो थे वो इस चीज़ से नाखुश थे, तो उन्हें रोकना चाहा पर ये नहीं मानी, तो इनके साथ गलत व्यवहार भी करा, मारा तोड़ा, उन्हें सब कुछ करा, इन्हें बताया वो जो भी था। तो बस इन्हें मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, और मुझसे जल्दी या मुझे शादी करो, मतलब शादी करना चाहती हूँ। तो फिर ये घर में कुछ करते होंगे, तो ये भी कैसे ना कैसे कर अपने दूसरे घर, दो घर इनके, वहाँ चली गई थी। वहाँ जाकर इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि अब मुझे और यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और तुम्हें शादी करना चाहती हूँ। क्या किया आपने? फिर मतलब इन घर वालों ने, मैंने आपने क्या किया? फिर मैंने ये करा, फिर मैं इनको वहाँ से ले आया और लाने के बाद मैंने इनसे पूरे हिंदी रीति रिवाज से इनसे शादी कर ली मैंने। हाँ, यहाँ क्यों आए हैं आज आप? यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ एसपी के पास, सर के पास में, ताकि हमें सुरक्षा दी जाए और हमारे साथ आने वाले समय में कोई ऐसी घटना घटित ना हो जिससे मतलब कोई दिक्कत हो, हमें सुरक्षा दी जाए बस। पंडित जी, क्या नाम है आपका, पूरी बात बताइए। मेरा नाम पंडित के संगदार है। पंडित जी, आपने अभी दो बेटियों का विवाह कराया है, एक तो इरम जैदी और एक, क्या कहना चाहेंगे? ये लोग हमारे पास आए और इन्होंने अपने बालिग होने के प्रमाण पत्र हमें दिखाए और हमें इन्होंने शपथ पत्र दिया कि हम शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे से काफ़ी समय से प्रेम करते हैं और अपनी समस्याएं बताई। इस लड़की ने कहा कि मैंने कहा तुम अपने घर वापस जा सकती हो, जाना चाहो तो। बोली घर वापस जाना जिंदगी के लिए मेरी खतरा है। उसने अपनी चोटें दिखाई, इसके गले पर छुरी से वार किया गया, तो हाथ पर इसके हाथ उसने उठाया तो हाथ में कटाया उसकी जगह पर जी। और इसने कहा कि मेरी कवर खोद के रखी हुई थी पहले से और वो सारे सबूत अभी भी कह रही है वहाँ पर हैं, मैं दिखा सकती हूँ। तो इसकी जानो खतरा है भाई, इन्होंने कहा तो हमने शादी करा दी फिर इनकी, बस इतना ही है। क्या लगता है कि आप कराते हो, आपको भी खतरा है? देखिए, मुझे तो विदेशों से धमकियाँ आई हैं, विदेशी नंबरों से धमकियाँ आई, तब मैंने यहाँ कप्तान साहब थे शैलेश पांडे जी, जी, तो मैंने उनको दिया था, रिकॉर्डिंग दी थी, मगर वो FIR नहीं कराई, बस ये भूल हो गई उस समय। और अभी जान का खतरा है, लोग जहाँ तहाँ आगे पीछे घूमते रहते हैं। कितनी शादी आप तक आप करा चुके हैं? ये मेरी 63वीं शादी है, मुस्लिम लड़की जो है 63वीं आई है मेरे पास ये। और भैया, एक बात मैं जरूर अनुरोध करना चाहूँगा, मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ, यदि मेरे पास कोई आता है और अपनी जान को खतरा या प्रेम संबंध बता करके मुझे अपने बालिग होने का प्रमाण पत्र देता है तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं उनका विवाह कराऊं। सहनाज, अब सुमन बन गई हूँ। सुमन, ये बताइए कैसे आपका इनसे मिलना जुलना हुआ, किस तरीके से आज आपने शादी की, पूरी बात बताइए। मैंने इनसे शादी की, मैं 2.5 साल से प्रेम करती हूँ, मैंने अपनी मर्जी शादी की है।
ढाई साल से कैसे मुलाकात हुई थी, कहाँ मुलाकात हुई? हम एक गांव के रहने वाले हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसी जान पहचान हो गई थी, तो हम एक दूसरे प्रेम करने लगे थे। लेकिन आप तो मुस्लिम है, वो हिंदू है। हाँ जी, हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से, मतलब इनका हिंदू समाज में अच्छा लगता है, मुझे अपना मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं लगता। क्या वजह है, क्यों नहीं अच्छा लगता मुस्लिम धर्म? उसमें कोई औरत की इज्जत नहीं होती है, जिस धर्म में औरत की इज्जत ना हो वो धर्म किसका ऐसा अच्छा लगता है। अब आपको क्या खतरा वगैरह भी है जान का? हाँ, अपने घर वालों से मुझे अपना खतरा है, मैं जान को खतरा है, पहले से मुझे खतरा। मैं वहाँ पर रहती थी तो मुझे मारते थे, पीटते थे, काटते थे, मेरे हाथ तक कटा हुआ है और मेरे लिए कवर भी खोद रखी थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये देखिए, अब से एक महीना पहले की बात है ये, मैंने खुद अपनी जान बचा के आई थी वहाँ से। अब आप क्या मांग करने आई यहाँ कप्तान साहब? मैं ये कहना चाहती हूँ बस हमें सुरक्षा दी जाए, हम दोनों को, हमारी दोनों को जानों खतरा है। कौन को किससे खतरा है? कौन? अपने घर वालों से, मेरे चाचा हैं, दादा हैं और एक भाई है मेरा। क्यों? आरिफ है, बाजिद और अशफाक और जाकिर और मेरे दादा। क्यों वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कर? वो हमें जहाँ ढूंढना चाह रहे हैं, जहाँ कहीं मिले, मतलब कुछ गलत करें हमारे साथ। पति को भी खतरा है? हाँ, जब मैं तो बेटी थी तो मुझे नहीं छोड़ा, तो फिर इन्हें क्या करते हैं वो तो। ये बताइए, आपके यहाँ जैसे मुस्लिम समाज में तीन तलाक होता, हलाला होता, ये सब चीज़ें होती है? ये सब गलत होता है सब, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मैं खुदाई हूँ छोड़ कर अपना धर्म। दिल्ली में जो घटना हुई श्रद्धा वाली, उस पर क्या कहेगी, आपने सुना होगा कि? हाँ, वो मुस्लिम लोगों ने काट पीट दिया था, मैं तो इस समाज में आई, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे भी इज्जत मिली, समाज भी मिला, खूब अच्छा लग रहा है मुझे, मगर जो मेरे मुस्लिम धर्म ने जो हिंदू धर्म की लड़की के साथ गलत करा, वो बहुत गलत था, काट दिया। तो आप क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ बस हमें सुरक्षा दी जाए, हम दोनों को, हमारे परिवार वालों को बहुत खतरा है, घर से बेघर पड़े हमारे घर वाले, हम सही जगह पर अपने घर पहुँच जाए रहने लगे। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगी, योगी आदित्यनाथ जी? मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाह रही हूँ बस हमें हमारे घर पहुँचा दे, हमें सुरक्षा दी जाए और हम खुशी खुशी अपने घर से रहने लगे, हमें कोई दिक्कत ना हो, ना परेशानी हो। अब आपको अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आपने मांग भरी है मंगलसूत्र? हाँ, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। एक मुस्लिम लड़की आई थी जिसने हिंदू युवक से विवाह किया है और अपनी जान को खतरा बताया है, उसने बताया कि उसके घर वालों ने उस पर जानलेवा पहले भी हमला किया था और उसके लिए कब्र तक खोद रखी है, आज आपके साथ में हिंदू जागरण मंच के भी लोग मिले थे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज अभी ऑफिस में एक नव विवाहित जोड़ा आया था मेरे पास, जिनका क्या कहना है कि लड़की मुस्लिम थी, उसने हिंदू बन के शादी करी है और उनका ये था कि घर वालों के चूँकि मर्जी के अगेंस्ट शादी करी है, तो वो लोग उनको धमका रहे हैं, उनसे उनको भय है। तो मेरे द्वारा SHO भोजीपुरा, चूँकि भोजीपुरा के रहने वाले हैं, SHO भोजीपुरा को निर्देशित किया गया है कि उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें और उनके परिवार वालों को भी समझा के ताकि इनके खिलाफ या इनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना हो सके और ये लोग अच्छे से अपना जीवन